अरे यार मुझे एक्चुअली मैं इतने कट्टे चलाया हूँ कि मैं खुद मुझे याद नहीं है कि मैंने कितने चलाया. बहुत सारे कट्टे थे, रोज चलाना पड़ता है तो बहुत मजा आया चलाते चलाते. मैं भी प्रो बन गया हूँ जी. The movie is a very, it's got a very interesting journey of two characters who start in a village with no money, nothing with them, no family, it's just the two of them, and how the journey of the two friends, one becomes a gangster and one becomes a sports person, and how the rift between the two, but still how they love each other so much as friends, that the heartbreak of not being together, being on different paths in life. It's been a very interesting experience shooting this film, because as a newcomer, I always wanted to do something very different. I wanted to start off with something, in a very, let's say, unconventional way. I did not want to do the typical, I did not want to start off with a love story and dance around trees, but I wanted to do something more hardcore, be a little rough, be a little tough. थोड़ा ग्रे शेडेड कैरेक्टर का किरदार बना था और वो ही मिला. मैं बहुत खुश हूँ सुनील शेट्टी के साथ काम करके. मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि वो बहुत ही हम्बल एंड बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और उनके साथ काम करके मुझे बहुत सीखने को मिला. एंड वो इतने एक्सपीरियंस एक्टर है और इतने हम्बल है कि न्यू कमर को इतना कम्फर्टेबली सेट में उनके साथ इंटरेक्ट करके, उनके साथ काम करके इन्वायरमेंट कम्फर्टेबल हो गया है, तो मैं बहुत खुश हूँ. मैंने आई होप टू वर्क विद हिम अगेन एंड अगेन. जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. इसके बाद आपको देखना पड़ेगा, मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ उसके बारे में. बट बहुत सारे चेंजेस लाने पड़े मुझे. आई हैड टू बियर्ड ग्रो करना पड़ा मुझे, बाल को ग्रो करने पड़े. सर ने कहा था, आनंद सर माई डायरेक्टर, कहा था मुझे कि अखिल आपको एकदम रफ, टफ, रगेड, तो मतलब वो जो रॉनेस है कैरेक्टर का वो दिखाना है, तो यू हैव टू पूरा लुक चेंज करना. मैं चिकना था, दाढ़ी नहीं थी, तो अभी आई गेस लुक अच्छा आ रहा है, थोड़ा इंटेंस लुक है, तो आई एम वेरी हैप्पी. विनोद खन्ना जो आपके मामा है, उनका क्या कहना है इस ट्रेलर को देखकर? वो उनको तो बहुत पसंद आया. उन्होंने मुझे बहुत ही मतलब बहुत ही खुश थे. ही गिव मी अ वेरी बिग हग. ही वाज सो टच्ड दैट आई फाइनली मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, और फैमिली बहुत खुश है, बहुत ही खुश है. हाँ, प्रैक्टिस करना पड़ा मुझे शूटिंग में, होली में प्रैक्टिस करना पड़ा, तो बहुत ही ट्रेनिंग करना पड़ा इसके लिए. वी ट्रेन विद द नेशनल टीम ऑफ इंडिया, जो नेशनल कोच है इंडिया का, उनके साथ ट्रेन करे थे. और जो लुक है, जो टेक्निक है, वो पॉलिश करने के लिए ट्रेन करना पड़ा. तो अभी मैं कह सकता हूँ कि मैं शूटिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ. थैंक यू सो मच. क्या पिक्चर? वेल, रियली हैप्पी दैट एट प्रेजेंट जितने भी मुझे रोल्स ऑफर हो रहे हैं या फिर अभी तक मैं कर चुका हूँ, वो बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से. जो पहली फिल्म जो है उसमें एज अ लवर बॉय मैं हूँ, और यहाँ पर मैं एज अ एक्शन हीरो, और साथ ही साथ बहुत ही रगेड लुक है, साथ में स्पेशल फीलिंग है यू नो टू वेयर इंडियन जर्सी एंड टू रिप्रेजेंट इंडिया इन शूटिंग. तो वो एक बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए इस फिल्म में शूटिंग. एक्चुअली इसके बहुत हार्डवर्क करना पड़ा, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो शूटिंग का ये जो स्टाइल है, आप जब भी आप फिल्म में देखते हैं तो हम हमेशा हीरोइक वे में शूट करने के मूड में आ जाते हैं, बट यहाँ पर टू गेट दैट लोगों को जनरल लगने के लिए मैं एक महीने के ट्रेनिंग सेशन के लिए गया था, जहाँ पर मैंने कभी पूरी
बॉडी लैंग्वेज और शूटिंग और किस तरह से यू नो पॉइंट करना चाहिए वो सब मैंने लर्न किया वहाँ पर. और इस साथ ही साथ यू नो ये जो दाढ़ी मैंने अपने सालों से मैं टीवी में आप मुझे देखते आ रहे हैं इसमें, ये एक्चुअली इस फिल्म के लिए मैंने रखी थी क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा यू नो रगेड और थोड़ा सा यू नो मैच्योर दिखना था एंड साथ ही साथ काफ़ी वेट लूज भी करना पड़ा क्योंकि ऐसे हट्टे फट्टे यू नो देसी कट्टे वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो उसके लिए मुझे काफ़ी कट डाउन करना पड़ा एंड थोड़ा सा वीक दिखना पड़ा इन द फर्स्ट हाफ सो दैट लगे कि हाँ खाने पीने के थोड़े से लाले पड़े. अन्ना के साथ रहना कितना काफ़ी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिला उनसे. जैसे लग फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिंग तो मतलब आप हर एक्टर से सीखते ही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो उनसे मुझे सीखने को मिली दैट यू नो हाउ बिग एवर यू आर इन लाइफ, आपको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना बहुत ज़रूरी है. और जिस तरह से उनका जो नेचर है, जिस तरह से वो लोगों से मिलते हैं, ये बहुत कुछ यू नो सीखने को मिला. और ज़्यादातर यू नो ये जो 3 घंटे की मूवी रहती है, 2 घंटे की मूवी रहती है, वो तो लोग देखते ही है, लेकिन उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं और उसके बाद आपका बिहेवियर कैसे रहता है, वो लोग एक्चुअली ज़्यादा जज करते हैं कि अरे यार ये बड़ा आकड़ू है यार, ये बड़ा अच्छा है. सो आई हैव लर्न्ड यू नो सो मेनी थिंग्स फ्रॉम हिम एज अ एक्टर टू, ही हैज टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स इन बिटवीन ऑफ द शॉट्स, कहीं ना कहीं गलत जाता हूँ, यूज़ टू कम टू मी एंड यूज़ टू टेल मी. सो आई एम रियली हैप्पी दैट यू नो आई गॉट अ चांस टू वर्क विद सच अ टैलेंटेड पर्सन. बॉलीवुड में ये डिस्ट्रिक्ट फिल्म है तो मान लें कि जय टीवी को नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा जो भी आज मैं हूँ इट्स बिकॉज ऑफ टेलीविजन. टेलीविजन की वजह से मैं आज तक यहाँ पर पहुँचा हूँ और जितनी भी मैंने सीखी है एक्टिंग या फिर जितना भी मैं आज शॉट देना सीखा हूँ वो पूरा का पूरा मैं श्रेय टीवी को देना चाहूँगा. एंड आई डोंट लाइक टू डिसरिस्पेक्ट टीवी बिकॉज व्हाटएवर आई एम यू नो चाहे मेरा आज घर गाड़ी बंगला जो भी कुछ बनाए वो सब टीवी की वजह से बनाए. और अगर मैं ये कहूँ तो ये दोनों फिल्म जो मुझे ऑफर हुई है वो भी टीवी की वजह से हुई है बिकॉज बोथ द डायरेक्टर्स हैव सॉन्ग यू नो हैव सीन मी इन डांसिंग एंड डांस, तो वहाँ पर देख कर मुझे मिला है ये मौका इस फिल्म में काम करने का. सो रियली हैप्पी विद टीवी एंड आई विल स्टिल कंटिन्यू. अगर मुझे टाइम मिलता है तो डेफिनेटली मैं प्रे करूँगा कि सारे कुछ वक्त मुझे मिल जाए जहाँ पर मैं टीवी में एंकरिंग कर सकता हूँ. कुछ तो जरूर हो गया क्योंकि माही भी साथ में आई है, किस तरह का कॉम्प्लीमेंट कुछ बात होती है नहीं वो अभी तक तो बहुत ही यू नो उसी उसमें है कि उन्होंने मुझे बड़े पर्दे पे देखकर ही वो काफ़ी एकदम एक्साइटेड हो गई है एक्चुअली. अब वो घर पे जाने के बाद वो मुझे एक्चुअली शी इज द बिगेस्ट क्रिटिक्स, मैं एक्चुअली सिर्फ एक ही क्रिटिक्स को मानता हूँ दैट्स माय वाइफ बिकॉज उन्होंने मुझे आज तक अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए नहीं होंगे. वो हमेशा मुझे यू नो वो ताकि मैं आगे बढ़ते रहूँ, ताकि मैं अपने आप को पुश करते रहूँ, हमेशा कोशिश करते रहेंगे. सो आज तक अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स तो मिले नहीं है बट वो फिल्म लोगों को देखने के बाद मुझे थैंक यू सो मच. थैंक यू रोलिंग रोलिंग जैसे ही करते सवाल तुम पूछ रहे हो हम सभी लोग हम सभी देसी कट्टे यानी तेरा जैसा एक टफ किरदार, देसी कट्टे यानी वो कहानी जो यूपी की गढ़ की कहानी है जहाँ बच्चे बंदूकें बनाते हैं, 2000, 3000, 5000 में बंदूकें बनती है, कहीं ना कहीं ये बच्चे बड़े होकर शूटर्स बनते हैं और गलत काम की तरह उतरते हैं. एक मेजर इन दोनों को आखिर और जय को एक शूट आउट में देखता है, उनकी हुनर और उनकी टैलेंट को देखकर उसे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली गलत रास्ते पे और इन्हें शूटिंग इन्हें स्पॉट के रास्ते पे ले आना चाहिए. कोशिश करता है 50% सक्सेसफुल रहता है और 50% नहीं. और ये कहानी है जो फाइनली एक स्पोर्ट्स बैकड्रॉप पे क्लाइमैक्स उसकी एंड होती है जो बहुत ही इमोशनल है. मैं मानता हूँ कि इस फिल्म की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स इमोशन है और अखिल और चाय की परफॉर्मेंस, वैसे ही दोनों लड़कियों की परफॉर्मेंसेस नई टैलेंट, लेकिन देख के ऐसे लगता है कि बहुत ही एक्सपीरियंस है. देखिए बहुत ही मज़ा आया और हम एक दूसरे से कंफर्टेबल बहुत थे. मेरी कोशिश ये थी कि मैं जितना उन्हें कंफर्टेबल करूँ उतना बेहतर है क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं भी पहले काम कर रहा था तो नर्वस रहता था सीनियर्स के साथ काम करते हुए और मुझे लगा कि हमेशा मेरा अगर मैंने अच्छी परफॉर्मेंस दी तो वो इसीलिए क्योंकि मेरे जो क्वार्टर्स थे जो सीनियर थे उन्हें मुझे कंफर्टेबल किया और वैसे ही हमने कोशिश की. हीरो हैं दोनों फिल्म के, मैं तो एक किरदार निभा रहा हूँ.
स्ट्रॉन्ग किरदार है लेकिन एक किरदार निभा रहा हूँ और उनकी पहली फिल्म तो ये ज़रूरी था कि ये निखर के आए और अच्छे लगे. मैं मानता हूँ कि दोनों 2014-2000 के वो उभरते सितारे हैं जो डेफिनेटली अपना स्टैम्प छोड़ेंगे और प्रॉबली टॉप ब्रैकेट के एक्टर्स बनेंगे.